हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। और आप देख रहे हो सुमिका सुमिका चैनल, जिसका नाम है ऑनलाइन शॉपिंग विद सुमी। ये चल रहा है मेरा बर्थडे एडिशन का ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ कुछ अपने लिए ख़रीदने के लिए, एंड देखते हैं क्या खरीदती हूँ मैं। एक्चुअली दिस विल बी अ कम्बाइंड गिफ्ट फ्रॉम माई पापा एंड अनु। तो जो मैंने प्लान किया है, देखते हैं वो मुझे मिलता है या नहीं मिलता है। और बर्थडे का इतना कुछ पता नहीं है कि हम कितना सेलिब्रेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इतना मूड भी अच्छा नहीं है मम्मा की वजह से। लेकिन गिफ्ट तो लेना बनता है सेलिब्रेशन अगर नहीं भी हो तो। सो देखते हैं मैं क्या खरीदने चली। चलिए मेरे साथ। सो हो गए मैं तैयार। मैंने पैर किया है, मैंने पहना है ये रेड कलर का टी शर्ट। थोड़ा ऑरेंजिश लग रहा है लाइट की वजह से, बट रेड इन कलर है। ये मुझे दादा बोदी ने गिफ्ट किया था ऑन रक्षाबंधन। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड वेरामुडा, और बहुत सॉफ्ट है कपड़ा पहनने में। और इसको मैंने पेयर किया है एक नॉर्मल से जीन्स के साथ, एंड ऑल सेट टू गो। बैग ले लिया मैंने अपना, एंड चले। तो इस बार मैं गोपू को अपने साथ नहीं लेके जा रही, इसको यही रख के जा रही हूँ, बिकॉज़ बाहर बहुत ज़्यादा है गर्मी। और कार पार्क करने के बाद जब हम पार्किंग होंगे, मतलब पार्किंग से शॉप के लिए जाएंगे, तो उतनी देर अगर गोपू अंदर रहेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाएगी उनको। तो इसलिए उनको रख के जा रही हूँ घर पे ही। बट चलते पहुँचे हैं हम गौर मॉल, और यहाँ से कुछ लेने का इरादा है, देखते हैं। अनु कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, एंड आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो मैं क्या लेने वाली हूँ अपने बर्थडे पे। और मुझे फाइनल नहीं हुआ, स्टिल कंफ्यूजन है, बट देखते हैं फाइनली क्या आएगा। बहुत ज़्यादा रश है, एंड जो बाकी लोग हैं ना, उन्होंने किसी ने भी मास्क नहीं पहना है, बट यहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने सब पहना हुआ है, एंड दैट इज़ द गुड थिंग विच आई लाइक्ड। बहुत ज़्यादा। सो फाइनली आई थिंक आफ्टर 2.5 ईयर्स आई एम गोइंग टू अगेन कम बैक टू माई ओन ब्रांड। एक्चुअली पिछले साल मैंने जब आईफोन, लास्ट 2 ईयर्स में जब मैंने आईफोन यूज़ किया था, उस टाइम पे मेरे को आईफोन से थोड़ी सी अपसेट हो गई थी मैं, इसलिए आई जस्ट प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं नहीं यूज़ करूँगी आईफोन। बट थोड़ी बहुत थोड़ा थोड़ी हो जाती है प्रॉमिस की। हमें फिर वापस आना पड़ा, कुछ लेना है बिलिंग करने के लिए, फिर वापस आ गए जल्दी घर चलते हैं। एक्चुअली यू नो, मुझे पता था जब भी मैं गोपू को लेके नहीं जाती हूँ ना अपने साथ, मेरे साथ कोई ना कोई सियापा होना होता है। बट इस बार जो मैं नहीं लेके गई हूँ, दैट इज़ फॉर उन्हीं के लिए नहीं लेके गई हूँ, बिकॉज फिर उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी वहाँ पे। इसीलिए जल्दी से पेपर ढूंढ लेते हैं, मेरा नीचे वेट करे वरना वो इरीटेट हो जाएंगे गर्मी में। आप कुछ काम करवा रहे हैं वो भी लेंगे, बट आई फाउंड सम पीपल। अभी जो मैंने स्लाइड दिखाया उसमें मैं ये शो करी, एक्चुअली इसमें गाना प्ले हो रहा था तो इसलिए मैंने उसमें वॉइस ओवर भी नहीं किया, बिकॉज फिर कॉपीराइट वाली इशू हो जाती है। तो एक्चुअली क्या, अभी जो मैं जस्ट आ रही थी शॉपिंग करने, तो मैंने देखा कि कुछ एक दो, मतलब एक लड़की है और एक ब्लू कलर में शर्ट पहने हुए एक जेंट्स थे, वो कुछ ये जो स्लम बच्चे जितने हैं उनको कलेक्ट किया उन्होंने, वो के लिए उनको डांस सिखा रहे थे। आई फेल्ट सो गुड, और वो इतना जॉयफुली डांस कर रहे थे, मुझे लगा कि उसे दिखाना ज़रूरी है। हम कभी कुछ ऐसा क्यों नहीं करते, हमारे दिमाग में ऐसा कभी क्यों नहीं आता कुछ। हेलो हेलो हेलो। एक्चुअली कल क्या हुआ था, कल मैं अपना गिफ्ट नहीं ले पाई जो मैंने सोचा था, बिकॉज थोड़े से इश्यूज़ आ रहे थे गिफ्ट में, नहीं आ रहे थे इश्यूज़, कुछ और काम आ गया था हमें इम्पॉर्टेंट, तो मैंने सोचा कि पहले वो काम कर लेते हैं। सो आज हम फिर जा रहे हैं उसी को लेने के लिए, तो पापा ने भी मेरे को एक अच्छा खासा अमाउंट दिया था, लाइक 20K ऐसे। एक्चुअली क्या हुआ ना, पिछले साल अनु ने मेरे को कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तो इस बार अनु ने मेरे को थोड़ा अच्छा अमाउंट दे दिया था, तो कि यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो मगर अपने लिए एक अच्छा सा फ़ोन ही ले लेती हूँ, बिकॉज जो फ़ोन मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ ये भी मुझे पापा ने ही गिफ्ट किया था। लेकिन इस फ़ोन में क्या हुआ ना,
आई डोंट नो कि लाइक मतलब मॉडल का इशू है या क्या इशू है, बट इसमें मैं जितना भी रिकॉर्ड करती हूँ ना, रिकॉर्ड करने के बाद ये बहुत ज़्यादा हैंग होता है. मतलब मुझे जो ऐप्स चाहिए होते हैं एडिट करने के लिए, वो ऐप भी मैं मतलब बस जब मैं रिकॉर्ड करके एडिट करने जाती हूँ तो मैं डाउनलोड करती हूँ, उसे एडिट करती हूँ, फिर से मैं डिलीट कर देती हूँ, बिकॉज फोन बहुत ज़्यादा हैंग होता है. बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटाज भी मेरे फोन से मिस हो चुके हैं बिकॉज फोन हैंग होता है, अपने आप ही रीसेट हो जाता है, फिर बात करते करते स्विच ऑफ हो जाता है फोन. तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स गेट अनदर फोन जिससे मैं शूट कर सकूँ. तो इसलिए एक्चुअली मैं इसीलिए ही ले रही हूँ आईफोन. और गेटअप मैंने चेंज कर लिया, मैंने पहना ये बहुत ही शीर सा H&M का शर्ट जो मैंने H&M से लिया था, इसका ब्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ गया है. जीन्स मैंने वही वेयर की है, पिंक वाली अपनी, और चल रहे आज मैं कानू को अपने साथ ले जा रही हूँ, बिकॉज मुझे पता था जहाँ मैं उनको अपने साथ नहीं ले जाती ना वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है. सो इसलिए मैं आज उनको अपने साथ ले जा रही हूँ क्योंकि आई हैव टू बाई टुडे ओनली. सो चले टू ए न्यू डेस्टिनेशन लेने के लिए, दैट इज़ गौर सिटी मॉल. एक्चुअली हमें यहाँ पे कुछ था, कुछ सामान लेना था दीदी के घर का जो रेंटर है उनसे. सो मैं सोचा भाई टू गो एनीवेयर एल्स जब हम यहाँ से पास से ले सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ आ गए. अभी बात नहीं बनी, एक्चुअली बात ये नहीं बनी कि जो कलर मुझे चाहिए वो कलर है नहीं यहाँ पे. कभी हम एक बार आई स्टोर में जाके देखेंगे वहाँ पे वो कलर अवेलेबल है या नहीं. वी वेंट टू आई स्टोर, वहाँ पे भी कलर अवेलेबल नहीं था. सो फाइनली वी हैव केम डाउन टू सम अदर, मतलब अदर मॉडल. कलर नहीं आ रहा और ये है आईफोन के 12 लेने वाले 13 ले चुके हैं एंडिंग. और कैसा लग रहा है आपको मेरी किडनी भिगवा के, एक किडनी पे लॉन्ग अवेटेड 2.5 साल बाद दोबारा यूज करूंगा इसे. सो लव दिस ऑन द फ़ोन लेने के बाद भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ. आई हैव गॉट समथिंग अगेन फ्रॉम शॉपर्स स्टॉप. एक्चुअली शॉपर्स स्टॉप में मैं जब भी आती हूँ कैन रेसिस्ट माई सेल्फ, इसलिए मैं मुझे कभी नहीं लेके आते, बट दिस टाइम आई हैव डन माई ओन शॉपिंग. अनु ऑलवेज कम्स हियर. सो पिछली बार जब आए थे तो अपने लिए साइकिल उठाया था यहाँ से, अब पता नहीं क्या लेंगे, पॉसिबली रैकेज. लेट्स सी कहाँ जाके रुकता है. मीनवाइल जस्ट लुक एट द रश टू एंटर इनसाइड द मॉल, बिकॉज आज वीकेंड है तो आई थिंक इसलिए बहुत ज़्यादा रश है. वी आर डन एंड वी आर गोइंग बैक. सो एंडिंग ऑफ द व्लॉग हियर एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर द बोथ थिंग्स आई हैव फाइंड. एंड टिल देन अपना बहुत 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 ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए इसे, शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ. टिल देन बाय बाय. सो पार्ट टू ऑफ माय मेकओवर एंड आई एम हियर एट काया'स मेकओवर स्टूडियो एंड ये राजनगर एक्सटेंशन में है. मैं आउटलुक इसका दिखा दूंगी स्क्रीन में. एंड टुडे माय ब्यूटी एक्सपर्ट इज मिस्टर अफजल एंड ही विल चेंज माय लुक. एंड एक्चुअली मैं पहले भी आ चुकी हूँ बट मुझे याद नहीं ये थे या कौन थे, बट इट वाज अ वेरी एक्सलेंट सर्विस आई गॉट हियर. सो इसलिए मैं दोबारा यहाँ आई हूँ. सो इट इज अ यूनिसेक्स सैलून, यू ऑल मेल्स कैन ऑल्सो कम ओवर हियर एंड लेट्स सी द चेंज.